अब बात हवाला कारोबार की करते हैं, जिसमें शामिल एयर होस्टेस आज डीआरआई एयर होस्टेस के पति से पूछताछ कर सकती है। सोमवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवेज के एयर होस्टेस को 3.5 करोड़ रुपए की कीमत के डॉलर बरामद किए गए थे उसके पास से। पुलिस और डीआरआई को शक है कि एयर होस्टेस के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। एयर होस्टेस फॉयल पेपर में छिपाकर फ्लाइट के जरिए विदेशी करेंसी बाहर भेजती थी। तो आज पूछताछ कर सकती है, एयर होस्टेस के पति से भी पूछताछ हो सकती है। सोमवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई थी, एयर होस्टेस न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। 2 महीने से लगातार ये पूरा जो धंधा है वो चल रहा था, काला धंधा। फ्लाइट से पैसा भेजा जा रहा था, हवाला का पैसा। एयर होस्टेस के पास से 3.5 करोड़ की कीमत के डॉलर बरामद किए गए हैं। फॉयल पेपर में छिपाकर ये रखे गए थे डॉलर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज इस पूरे मामले में पूछताछ का जो दायरा है वो और भी बढ़ सकता है, पति से भी पूछताछ हो सकती है, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए शरीर, कल जब दोनों लोगों को, देवश्री को और अमित मल्होत्रा को जो पटियालोस कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से दोनों को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कल ही जो देवश्री के जो पति हैं उनसे पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही देवश्री, हम एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि डीआरआई की पूछताछ में अमित मल्होत्रा ने यह कबूल किया है कि ये जो पैसा जो वो देवश्री को देता था, ये भगीरथ पैलेस में मौजूद कुछ कारोबारी है, 10 से 15 कारोबारी है, उनका ये पैसा था, उनको ये जानता था, और वो जो कारोबारी है वो अमित मल्होत्रा को ये पैसा देते थे, और अमित मल्होत्रा देवश्री के माध्यम से ये पैसा बाहर पहुंचा दिया जाता था, जैसे हांगकांग और दूसरे देशों में। ये सबसे बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, ताजा अपडेट है कि अमित मल्होत्रा को भगीरथ पैलेस के 10 से 15 व्यापारी जानते थे और वो अपना पैसा अमित मल्होत्रा के जरिए बाहर भेजते थे। जी, साफ है कि पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कुछ और नामों का और चेहरों का खुलासा होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रजनीश हमसे जुड़ने के लिए।